इंटीग्रेशन बाय यूजिंग यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे यूज सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो एग्जांपल हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 3x डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस 4 डी ऑफ एक्स। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ई पावर 3x को हम कर देंगे ब्रेक। ई पावर डिवाइड में 2x है ना, तो ई पावर 2x डॉट ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस 4 डी ऑफ एक्स। अब हम इसमें लेट कर देंगे, लेट u इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और हम अब इसका ले लेंगे डिफरेंशियल डी ऑफ u इज इक्वल टू ई पावर एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो डी ऑफ एक्स डिफरेंशियल में। सो जो हमारे पास है u और डी यू इनकी इक्वल है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इन ई पावर x का स्क्वायर, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर, और ई पावर x डी ऑफ x, ई पावर x डी ऑफ x इज इक्वल टू डी ऑफ u। सो ये जो हमारे पास है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, डी ऑफ u के, ठीक है, डी ऑफ u, और डिवाइडेड बाय ई पावर 2x यानी कि u का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। हमने ऐड किया था u इज इक्वल टू ई पावर x का स्क्वायर, जो 2x है ना, तो ई पावर x का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 4। अब जो हमारे पास ये फॉर्म आई है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम आ गई, तो हम इसको कैसे करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, इसको u का स्क्वायर प्लस 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 से u का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये कैंसिल माइनस 4। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर प्लस 4 और d ऑफ u। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ यू माइनस 4 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर u का स्क्वायर प्लस, अब ये 4 है तो 4 को देखेंगे 2 का स्क्वायर डी ऑफ यू, ठीक है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास होता है tan इनवर्स x डॉट x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, जो कि 1 आता है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, u का स्क्वायर, असल में बेसिकली ये 1 का स्क्वायर होता है जो फार्मूले में, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, डिवाइड x बाई 1 आता है, और जब x का डेरिवेटिव 1 तो x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 हो जाएगा वो। इस केस में हमारे पास क्या है, u का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर u का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर d ऑफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स u डिवाइडेड बाय 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ u बाय 2, तो डेरिवेटिव जब इसके लेंगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स u बाय 2 डॉट 1 बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। सो तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस 4, जब इसका लेंगे तो tan इनवर्स u बाय 2 डॉट 1 बाय 2 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 2 1 का ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस 2 tan इनवर्स u बाय 2 प्लस c। अब हमने ऊपर क्या लिख किया था, u इज इक्वल टू e पावर x, सो यहाँ पर पुट कर देंगे सिर्फ e पावर x u की जगह, e पावर x माइनस 2
टेन इनवर्स ई पावर एक्स डिवाइड बाय टू प्लस सी ये हमारे पास फाइनल आंसर।